Once upon a time, Pakistan's cricket team used to be top class. But over the last several years, there has been a sharp deterioration in its class. And because of that, Pakistan is not able to compete even with the newcomers like the USA. Clearly, Pakistan cricket has lost its way. Here are some visuals which indicate what has gone wrong. In this video, you can see the Pakistani cricketers practicing catch-taking on mattresses. Can you believe it? So, obviously if the players are practicing catch-taking on soft surfaces like mattresses, they would hesitate to dive on hard ground during the actual matches and as they say catches win matches in fact the extraordinary catch-taking by indian players has made them stand out in all matches including in the just-held t20 world cup karachi test players <laughs> a team players लगा के उनको कैचिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है और शर्म आई किसी को वो शर्म आई मैट्रो है आप लोगों ने रखे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान को शर्म आई कि वो किस तरह के मेट्रिस जो है वो कराची हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आप लोगों ने रखे हुए हैं अब वो भी मोस नकवी जाके चेंज करवाए वो भी मोसन नकवी जाके छापा मारे वहाँ पे भी मोसन नकवी जाए और जाके ना तुम लोगों में से किसी एक कोत्ल करे और कहे कि यार ये मैट्रेस हैं तुमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्लेयर को तुमने इस तरह के ही मैट्रेस दे के रखे हुए हैं इस तरह के मैट्रेस तो किसी स्कूल और कॉलेज में भी नहीं होंगे जहाँ पर प्राइवेट स्कूलों के अंदर या प्राइवेट कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स हो रही है मैं चैलेंज करके आपको कह सकता हूँ कि लाहौर की तीन चार यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा करवाती हैं जिसमें यू है पंजाब यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है इनके अंदर आप जाएं इससे उनके उनके पास बेहतर मैट्रेस होंगे जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को वहाँ पर दिए हुए हैं तो तवक़ुम हम उनसे करते हैं कि जो अच्छी फील्डिंग करें तो हम उनसे करते हैं कि उनकी फिटनेस अच्छी हो तो गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर भी जिन चीज़ों को एड्रेस किया है वो भी सारी फिटनेस के इर्द गिर्द घूमती हैं और वैसे एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि ये जो फिटनेस वाला जिन है ये तो आपके अपने हाथ में होता है ये तो आपने खुद एफर्ट करनी हुई है अगर आपका पेट निकला हुआ है अगर अगर आप 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 दो ग्राउंड के के चक्कर लगाने बाद अगर आप थक जाते हो या अगर आपसे अपने कोटे के तमाम ओवर नहीं होते हैं या अगर आप पंद्रह ओवर विकेट पे खड़े होकर बैटिंग करते हो तो रनिंग बिटवीन द विकेट आपकी पहले पांच ओवर में कुछ होती है अगले पंद्रह ओवर में कुछ होती हो तो कौन जिम्मेदार है आप अपने आप को प्रोफेशनल प्लेयर कहते हो आप दुनिया भर की लीग्स खेलते हो थोक के हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 12 क्रिकेटर्स को एनओसी जारी कर दिया कि जाओ तुम जाके लीग्स क्रिकेट खेलो फिर ना इनको अगर ये एनओसी दें तो ये रोते हैं ये फिर हमें हम जर्नलिस्टों को फोन कर कहते हैं कि देखें इजाज भाई ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है हमारी रोजी रोटी खराब हो रही है आप इसके ऊपर बोलते क्यों नहीं है यार आपने हमारे जहाँ पर भी मैचेस होना वहाँ पर आपने पंद्रह बीस जो है मेटरस रख लेने हैं ताकि जो हम जो आप बड़े आराम के साथ जो है कैचिंग की प्रैक्टिस करें और जब मैच हो तो मैच के दौरान भी हमें यही फैसिलिटीज दी जाएं ताकि हम जो है आराम के साथ प्रैक्टिस कर सकें इनके हर रेक जो है जगह पे मजाक ही बन रहा है यही तो वजह है कि जब जो है बड़े मैच में कैच आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पास तो एक उधर खड़ा होता है एक इधर खड़ा होता है और दरमियान से कैच जो है वो टिप्पा खा के निकल जाता है और हमारे खिलाड़ी वेट कर रहे होते हैं यार नहीं तू डाइव लगा वो कहते हैं नहीं यार तू डाइव लगा और इसी कशमाकश में जो है कैच बीच से निकल जाता है और फिर हमारा मजाक बनता है कि यार पाकिस्तानी खिलाड़ी तो खड़े होकर जो है वेट करते रहते हैं और कैच जो है इनके दरम्यान में गिर जाता है या बीच से कैच गुजर जाता है मसला यही होता है खौफ होता है डाइव लगाने का कि यार डाइव लगाएंगे कहीं हमें लग ना जाए यार प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जो आपको मैदान में मिलने वाला है उसी की प्रैक्टिस करें मैदान में तो आपको मैट्रेस नहीं मिलने वाले हैं तो फिर जो आप यहां पर जो आप प्रैक्टिस किस तरह से कर रहे हैं आप इसी खुशफहमी में जो है मैदान में जाएंगे जब आप देखेंगे जब आपको कैच पकड़ना होगा आप डर के मारे डाइव लगा ही नहीं सकेंगे यार हमें तो लग जाएगी यहां पर आप देखें इतना बड़ा यानी कि मजाक बन रहा है सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और ये हमेशा से हमारा जो है पाकिस्तानों का राय कि कुछ अजीब ही करना है कोई ऐसी हरकत करते हैं हम सोचते हैं यार के अब इससे ज्यादा कोई जो है वो जोक नहीं बन सकता हमारा अगले ही दिन जो है कुछ ऐसा सार उठा के आते हैं नहीं जी हमने फिर करना है कुछ और कुछ ऐसा करते हैं बंदा हैरान हो जाता है यार कि ये ये भी कर सकते थे मार्श का म... जो कैच पकड़ा था अक्षर पटेल ने लग के ऊपर लंबे शॉट उसने मारी थी कुलदीप को गालिबल और उसने जंप मारकर एक बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा फिर वर्ल्ड कप फाइनल उठाकर देख लें सूर्य कुमार यादव का कैच ये तो सो साल तारीख में क्रिकेट में याद रखा जाएगा कि डेविड मिलर की उस टाइम की विकेट फैसला कर गई थी लेकिन हमारे जो क्रिकेटर्स हैं चाचे ने जिंदगी में कैच पकड़ा ही नहीं है ये टकरे मारते हैं